नमस्ते भारत और नवादा की धरती से लेकर के पटना पे आए हैं और नवादा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे बीजेपी आनंद वर्मा जी हैं। क्या कुछ मुद्दे के लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं सत्र, बताए जाए जी। सभी को नमस्कार, मैं नवादा लोकसभा प्रत्याशी आनंद कुमार वर्मा है, जो भारत जनता दल से है, बीजेपी की नया पार्टी है सर। और हम आनंद राज के नाम से, आनंद सर के नाम से जाने जाते थे। हम एक पहले शिक्षक थे, गायक थे, और हम लोकतंत्र में इसलिए आए हैं कि आने वाला पीढ़ी लोग यह जाने कि यह सिर्फ बाहुबलियों का चुनाव नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, हम सबकी चुनाव है, इसलिए हम आए हैं। दूसरी मुद्दा है कि शिक्षा को जन जन तक पहुंचाना है। अगर हम सांसद बनते हैं, नवादा के लोकसभा के प्रत्याशी होते हुए वहाँ की जनता हमें चुनते हैं, तो हर प्रखंड, हर पंचायत में हम लाइब्रेरी की व्यवस्था देंगे, ताकि बच्चों वहाँ क्या करेंगे, निःशुल्क शिक्षा अध्ययन करेंगे और हमारी शिक्षा जन जन तक पहुँचने का प्रयास होगा। दूसरी चीज, जैसे ही हम सांसद बनते हैं, वहाँ 50,000 लोगों को रोजगार देने की गारंटी देता हूँ। चौथी मुद्दा है कि वहाँ लघु उद्योग केंद्र खोलेंगे, जहाँ पर क्या होगा, जैसे चीनी मिल की वहाँ बहुत दिन से पानी बंद बंद है, वहाँ हम लघु उद्योग खोल करके लोगों को रोजगार से जोड़ने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ वहाँ हम एक सद्भाव पैदा करेंगे। और सबसे बड़ी मुद्दा जिसके लिए हम चल रहे हैं कि शिक्षा के साथ साथ लोगों को स्वास्थ्य सेवा सही होगी, और हम लोग एक प्रयास में हैं कि अगर हमको चुनते हैं तो कहीं ना कहीं हम आप लोग के लिए बहुत बेस्ट साबित होंगे। और अपने दम पर हम बता रहे हैं कि अपने दम पर हम सारे बच्चे जो नवादा लोकसभा के होंगे वो निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करेंगे, वो निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो सर, आपसे आखिरी से सवाल हम जानना चाहेंगे कि नवादा के लोकसभा, नवादा की जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं, आपका चुनाव चिन्ह क्या है, ये थोड़ा बताइए। देखिए, आनंद कुमार वर्मा, क्रमांक संख्या 4, हम गुरु हैं, इसलिए हमको बेंच मिला है और बेंच मेरा पार्टी का है और मेरा बेंच छाप है। क्रमांक 4 में आनंद कुमार वर्मा बेंच छाप है। और बस सभी जनता से विश्वास दिलाते हैं कि सबसे पहले नवादा लोकल सांसद होनी चाहिए, सांसद होनी चाहिए लोकल, बाहरी सांसद नहीं। और लोकल में जो शिक्षा से रिलेटेड है, जो अच्छा है, जो 10 मुद्दे पर काम करे, स्वास्थ्य पर काम करे, समाज पर काम करे, सद्भाव की काम करे, आप उसको चुनिए। अगर हमको अच्छा लगते हैं तो हमें चुनिए, जरूर चुनिए, हम आपके बातों पर खरा उतरेंगे। नवादा की जनता से मेरा अपील है कि हम सभी तक अगर नहीं भी पहुंच पाए तो हम एक गरीब प्रत्याशी हैं, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि आपका आशीर्वाद से हम हर लोगों तक पहुँचने का प्रयत्न कर रहा हूँ और निश्चित है कि सभी लोगों तक मैं पहुँचूंगा। बहुत धन्यवाद।